मेरे फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास हुंडई की सेंट्रो गाड़ी आई है। तो मैंने कूलेंट वाले वीडियो में बताया ही था कि आप जब भी कूलेंट डालें तो प्योर कूलेंट डालें, पानी ज़रा ऐड ना करें। पर देखो, ये छोटी सी गलती, ये देखो आप देख सकते हैं इसमें पानी की वजह से कितना रस्ट पकड़ा है। यही रस्ट जाके रेडिएटर में फंसता है और इंजन ओवरहीट होती है। यहाँ देखो, कूलेंट ज़रा नहीं है, कूलेंट थोड़ा भी नहीं है, खाली पानी था, पानी की वजह से रस्ट पकड़ा। वाटर पंप के इधर पाइप आता है जो एल्बो से वाटर पंप में जाता है, वहाँ से रस्ट की वजह से पाइप लीक कर दिया है, पानी गिर गया और इंजन हो गई ओवरहीट। रास्ते में यही हुआ, कस्टमर पानी डाल डाल के हमारे पास गाड़ी लेके आए, हमने फुल चेक किया तो हमने फॉल्ट वहीं से पकड़ा कि वहीं पे फॉल्ट है। आओ दिखाता हूँ आपको, एक बार नीचे से दिखा देते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से लीक हो रहा है, पानी आ गया, पानी आ रहा है, ऊपर देख सकते हैं वहाँ पे से लीक हो रहा है। तो यही छोटी छोटी गलती की वजह से बड़ा नुकसान होता है। तो जब भी वापस बता रहा हूँ, जब भी आप कूलेंट डालें, प्योर कूलेंट डालें, पानी ज़रा भी ऐड ना करें, जिसके वजह से आप बड़े खर्चे से बच सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सब खोल दिया है, सब ऊपर का सामान इधर उधर बिखरा दिया है ये पूरा। और मैं पाइप दिखाता हूँ किधर है, ये पाइप तो देख सकते हैं, यहाँ से लीकेज है, ये आगे वाटर पंप है और ये पाइप लीकेज है, ये पाइप लीकेज है जो इधर एल्बो में जाता है। तो अभी हम ये पाइप चेंज करेंगे और बॉन्ड वॉन्ड मार के एकदम मजबूत करके फिर गाड़ी चालू करेंगे। तो है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पाइप था, ये लोखंड का पाइप है, ये वाटर पंप से आता है। ये पाइप पानी की वजह से जंग खा के सड़ गया था, तो हमने पाइप चेंज कर लिया है। सब पाइप चेंज करने के बाद हमने पानी डाल के चेक भी कर लिया, कहीं लीकेज नहीं है। पानी डाल के हमने चेक कर लिया, कहीं लीकेज भी नहीं है। तो अब हम करेंगे फाइनल फिटिंग, फिर पानी निकाल के कूलेंट डालेंगे और कस्टमर को गाड़ी डिलीवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, हमने सब फिटिंग कर दिया, गाड़ी चालू किया और यहाँ से कोई भी लीकेज नहीं है। गाड़ी हमने करीबन एक घंटे तक चलाया, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। तो अभी हम इसमें पानी निकालेंगे और पानी निकाल के कूलेंट डालेंगे और गाड़ी डिलीवर करेंगे। तो ऐसे ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत मुश्किल से निकलता है, बहुत मेहनत हुआ पर ठीक है, फाइनली हमने कर दिया। ऐसे ही और टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल ऑटोटेक इंडिया को सब्सक्राइब करें।